हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो वाइट पैच से रिलेटेड है, और आज हम लोग बात करते हैं कि वाइट पैच जो है वो हमेशा क्या ल्यूकोप्लेकिया ही होता है। मींस अगर किसी पर्सन को वाइट पैचेस बन गए हैं, आइदर वो माउथ के अंदर चीक म्यूकोसा पे है, या फिर आपके टंग के डॉर्सम सर्फेस पे है, या फिर लेटरल सर्फेस पे है, तो कहीं भी अगर वाइट पैच बनता है तो क्या ये हमेशा ल्यूकोप्लेकिया ही होता है। तो इस पे आज हम लोग बात करते हैं कि अगर किसी भी पर्सन को वाइट पैच है तो ल्यूकोप्लेकिया को छोड़ करके वो और क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। कॉमनली हम लोग जो है जब भी वाइट पैच होता है तो गूगल पे सर्च करते हैं और देखते हैं कि वाइट पैच क्या होता है, तो एक आंसर आता है ल्यूकोप्लेकिया। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हर एक वाइट पैच जो है वो ल्यूकोप्लेकिया नहीं होता है। सबसे पहली चीज़ कि जो वाइट पैच है वो आपके माउथ के अंदर कब से है, प्लस आपको कोई हैबिट है या नहीं। अगर किसी पर्सन को हैबिट है, यानी कि स्मोकिंग की हिस्ट्री है, गुटखा च्यूइंग है, या टोबैको की हिस्ट्री है, तो ऐसे पर्सन्स में जो वाइट पैच बनते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम ल्यूकोप्लेकिया होता है। लेकिन जिन पर्सन्स को हैबिट नहीं है और उनके जो नॉर्मल जो रूटीन है उनमें कहीं भी कोई भी हैबिट नहीं है, ना टोबैको, ना स्मोकिंग, ना गुटखा च्यूइंग, और फिर भी उनके माउथ के अंदर वाइट पैचेस बन रहे हैं, तो इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो ल्यूकोप्लेकिया है वो आपका हैबिट एसोसिएटेड प्रॉब्लम है। मीन्स अगर आपके पास दो मिक्स्ड हैबिट है, यानी कि अगर आप स्मोकिंग भी करते हैं और अल्कोहल भी कंज्यूम करते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में ल्यूकोप्लेकिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर जो लोग गुटखा च्यूइंग भी करते हैं और अल्कोहल भी लेते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में ल्यूकोप्लेकिया होने के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि जो अल्कोहल है वो आपके माउथ को डेसिकेट करता है, मीन्स ड्राइनेस क्रिएट करता है माउथ के अंदर। प्लस जो आपका गुटखा, जो आप लॉन्ग टर्म से गुटखा च्यू कर रहे हैं, तो उसके कारण से क्या होता है कि आपके जो चीक की म्यूकोसा है उसमें माइक्रो इंजरी होती है। तो ये जो माइक्रो इंजरी है जो स्लोली हो रही है, तो यहाँ पे जो इंजरी है प्लस आपका जो क्रैक्ड सरफेस क्रिएट हो रहा है ड्यू टू अल्कोहल, तो ये दोनों मिलके जो है आसानी से जो है एक जो इंजरी का जो एक लेवल है, जो फ्री रेडिकल जो हमारे बॉडी में जो बनते हैं ड्यू टू बैड हैबिट, यानी कि आपका स्मोकिंग, गुटखा च्यूइंग और अल्कोहल, तो फ्री रेडिकल को कहीं ना कहीं ये बढ़ाते हैं, और जिससे क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो है ये इन्वेजिव जो एक क्रिएट करता है, वहाँ पर जो इन्वायरमेंट होता है वो इन्वेजिव क्रिएट करता है। मीन्स जो आपका जो एपिथीलियम है, जो आपका म्यूकोसा का लेवल है, वो धीरे धीरे जो होती है वो थिक होते चली जाती है, और वहाँ पे हाइपरप्लास्टिक जो है ग्रोथ होता है, जिसके कारण से कि वहाँ पे पैचेस बनते हैं। अब ये जो वाइट पैच है उनके जो डिस्प्लेजिया होता है इसमें वाइट पैच के अंदर, तो अगर पेशेंट्स के माउथ के अंदर वाइट पैचेज है और उसमें डिस्प्लेजिया का लेवल ज़्यादा है, तो पेशेंट को ज़्यादा चांसेस होते हैं और वो ज़्यादा करीब होते हैं मोर टुवर्ड्स दी मैलिग्नेंसी। मीन्स अगर हायर ग्रेड का डिस्प्लेजिया है, यानी कि सीवियर डिस्प्लेजिया जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होता है मोर प्रोन टू मैलिग्नेंसी, क्योंकि वहाँ पे जो आपका एपिथीलियम है उस पे धीरे धीरे लोड बढ़ते जा रहा है। तो जो हैबिट एसोसिएटेड पर्सन होते हैं उनमें अगर वाइट पैच है तो दैट विल बी ल्यूकोप्लेकिया। बट ऐसे पर्सन जिनमें कोई हैबिट नहीं है, तो इसमें भी बहुत सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं, जिसमें कि मोस्ट कॉमन जो है आपका हाइपरप्लास्टिक लाइकेन प्लैनस है, प्लस क्रोनिक हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस। मीन्स जो आपका लाइकेन प्लैनस है वो, और कैंडिडियासिस, ये दोनों ही जो है नॉन हैबिट एसोसिएटेड हो सकते हैं। मीन्स अगर पेशेंट को कोई हैबिट नहीं है तो जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है वो ल्यूकोप्लेकिया को छोड़ करके लाइकेन प्लैनस कंसीडर करना है, और प्लस जो हमारा एक जो रूटीन जो हम लोग देखते हैं कि फंगल इन्फेक्शन माउथ के अंदर ग्रो कर गया, तो ये फंगल इन्फेक्शन जो है अगर क्रोनिक है और हाइपरप्लास्टिक टाइप का है,
तो यहाँ पे भी वाइट पैचेस बनेंगे। तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग जो है पेशेंट्स के लिए कुछ टेस्ट करवाते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि पेशेंट का लाइकेन प्राइनस है या फिर फंगल इन्फेक्शन के कारण जो है इन्हें वाइट पैच बना है। तो जो भी पेशेंट्स जिनको कि वाइट पैचेस बन रहे हैं माउथ के अंदर, तो वो क्लियरली ल्यूकोप्लेकिया ही है ऐसा ना समझें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग को पता ही नहीं होता है कि हमारे मुंह के अंदर क्या चेंजेज हो रहे हैं। प्लस तो इसके लिए आपको जो है जो सलाह लेनी चाहिए वो आप नज़दीक के डेंटल कॉलेज में जाके वहाँ दिखा सकते हैं, या फिर कोई भी स्पेशलिस्ट जो कि इस चीज़ को समझते हैं उन्हें जाके आप ज़रूर दिखा लें, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी प्रॉब्लम है क्या। प्लस जो भी हैबिट एसोसिएटेड पर्सन है और उनमें वाइट पैचेज हैं, तो उन्हें हैबिट को क्विट करना है। और उसके बाद जो इलाज है, जैसे कि आपका अगर माइल्ड डिस्प्लेजिया है या मॉडरेट डिस्प्लेजिया है, तो इसमें चांसेस होते हैं कि वो रिवर्सिबल हो जाए विथ मेडिसिन। और जो आपका सीवियर डिस्प्लेजिया है, तो ऐसे कंडीशन में आपको सर्जरी के लिए जाना पड़ सकता है, क्योंकि ये सीवियर डिस्प्लेजिया जो है वो रिग्रेस नहीं होता है मेडिसिन के द्वारा। तो सर्जिकल एक्सीजन से वो कंप्लीट क्योर हो सकता है। और कई बार पेशेंट पूछते भी हैं कि मैं इसका ट्रीटमेंट ले रहा हूँ तो ये ठीक नहीं हो रहा है। तो अगर आप कम्प्लीटली सर्जिकली एक्साइज करवा देंगे ल्यूकोप्लेकिया को, तो वो ठीक हो जाएगा। प्लस जो लाइकेन प्राइनस है, उसके लिए मेडिसिन ट्रीटमेंट जो है अवेलेबल है, और वो उससे क्योर हो जाता है। उसके बाद जो है फॉलो अप ट्रीटमेंट चलता है पेशेंट का, क्योंकि जो आपका लाइकेन प्राइनस है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो उसके लिए आपको फॉलो अप लेने पड़ेंगे। फिर जो हम लोग बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन की, तो अगर फंगल इन्फेक्शन के कारण अगर वाइट पैचेस बने हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा इम्यूनिटी को लेकर के आपको टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं कि आपकी इम्यूनिटी कहीं सप्रेस तो नहीं है, कहीं पर्सन एचआईवी एसोसिएटेड तो नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसको कि कंसीडर करना होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।